अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंप्लीट केयर ऑर्थोपेडिक्स में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वह है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, यानी कि जोड़ों का घुटने के जोड़ों का मर्ज। बुनियादी तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी एक सोजिश का अमल है जो घुटने में आता है। इसकी जो बड़ी बड़ी वजूहत हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने की, उनमें तीन इसके अहम फैक्टर्स हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस करते हैं। नंबर एक, ओवरवर्क, वो लोग जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पर्टिकुलरली हमारी घरेलू खवातीन जो बहुत ज़्यादा घर के कामों में मसरूफ़ हैं और सीढ़ियों का चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा है दिन के कामों में। ओवरवेट, वंस अगेन हमारा बहुत ज़्यादा सोशल एक है इसमें मिस ऐप के बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, ख़ासतौर पर हमारी खवातीन। देन ओवरएज, ओवरएज वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा। याद रखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस बुनियादी तौर पर एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, यानी कि वक्त के साथ साथ जो बॉडी में चेंजेस आती हैं ये उन चेंजेस की एक सीक्वली है, उसकी कन्वर्जन जो है वो हो जाती है, आर्थराइटिस में वो कन्वर्ट हो जाता है। अलामात में मरीज को डेफिनेटली चलने में मुश्किल होती है, दर्द होता है, सूजन हो सकती है, नमाज की अदायगी में मुश्किल होती है, वॉशरूम यूज़ करते हुए हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी जगहों पर या वो इंडियन सीट्स हैं जिसकी वजह से ज़मीन पर बैठना ऐसे मरीजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये अलामत है आर्थराइटिस के। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम अपने तीन एपिसोड्स में कवर करेंगे कि ये है क्या चीज़, इसके इलाज कैसे हैं और फिर एंड पे इससे तदारक के क्या तरीके हैं। तो आज हम सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस की कुछ अलामत के बारे में, उसकी जो वजूहत हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलामत में मैंने बताया कि सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, चलने में दुश्वारी हो सकती है और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुश्किल आ सकती है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस की मेन वजूहत है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है। आगे हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की इलाज जो है वो बग़ैर दवा के कैसे मुमकिन है और दवा के साथ कैसे मुमकिन है और एंड पर इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस मर्ज को समझना मरीज़ के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसके इलाज में डॉक्टरों को बहुत आसानी होगी और मरीज़ को जल्द से शफा मिलेगी।